गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से चट्टान टॉपिक के ऊपर। और चट्टाने क्या परिभाषा, चट्टान की मुख्य रूप से चट्टानों का निर्माण कौन सी परत से होता है, या चट्टान निम्नलिखित प्रकार की होती है, कौन कौन से प्रकार की होती है, उनकी क्या क्या विशेषता है चट्टानों के बारे में, और चट्टानों को मुख्य रूप से किस आधार पर विभाजित किया जाता है या उनका वर्गीकरण किया जाता है, तो अपन कई सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल को, जो भी अपन वीडियो बनाते हैं किसी भी टॉपिक का, अगर वीडियो में पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री हो, जैसे चट्टान है, चट्टानों का वितरण है, तो अगर आप जब तक आप तीनों वीडियो नहीं देखते हो तब तक आपके समझ में नहीं आने वाला। इसलिए आप हमारे वीडियो को, कोई भी टॉपिक देखो जो आपके सिलेबस में, उसका पूरा पार्ट जरूर देखें ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। और हमारे समझाने का जो तरीका है, जो सरल से सरल और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हीं को आपको बताई जाएगी, ताकि आपके एग्जाम में आपके सभी जो विषय वस्तु से संबंधित जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न आपको आ सके आराम से। अब अपन बात करते हैं चट्टानों के बारे में। तो चट्टान मुख्य रूप से जो पृथ्वी का ऊपरी परत है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, जिसको आप भू प्रपर्टी या क्रस्ट कहते हो, इस क्रस्ट का जो ठोस भाग होता है, जो स्थल मंडल होता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, अपन चट्टान कहते हैं। जो ठोस भाग होता है स्थल मंडल का, उसी को अपन चट्टान कहते हैं। अब चट्टान एक, जैसे वैज्ञानिकों ने जो चट्टान की परिभाषा दी है भूगोलवेत्ताओं ने, यानी चट्टान किसी भी पत्थर या बड़ी चट्टान की भांति, या अपन कह सकते हैं ग्रेनाइट की भांति कठोर भी हो सकती है, या मुलायम यानी रेत के कणों की भांति मुलायम भी हो सकती है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं जोधपुर में जो बड़े बड़े जो पत्थर है, जो बड़ी बड़ी खाने हैं पत्थर की, जैसे, या और फिर अपन बात करते हैं जैसलमेर में या बाड़मेर में जो रेत के धोरे हैं, वो मुलायम चट्टान के उदाहरण हैं, और जोधपुर वाले वो आपके ठोस चट्टान के उदाहरण हैं, यानी कठोर चट्टान के उदाहरण हैं। तो चट्टान चाहे कठोर भी हो सकती है, या चट्टान चाहे मुलायम भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है, तो वो भी क्या कहलाएगी, आपकी चट्टान कहलाएगी। अब अपन बात करते हैं, देखो सबसे पहले चट्टान या रॉक, यानी स्थल मंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग, स्थल मंडल का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, भू प्रॉपर्टी होता है। कौन सा होता है, भू प्रॉपर्टी, जिस पर अपन रहते हैं, भू प्रॉपर्टी मतलब क्रस्ट यानी ठोस भाग। और उसी ठोस भाग का 95% जो भाग है भू प्रॉपर्टी का, वो लगभग चट्टानों से निर्मित है, यानी सेल से निर्मित, मतलब चट्टान से निर्मित है, यानी स्थल मंडल जो आप देख रहे हो, जो अपन भू प्रॉपर्टी के नाम से या क्रस्ट के नाम से जानते हैं। अब देखो, खनिजों का जो मूल स्रोत है वो आपका उष्ण मैग्मा है। जैसे पृथ्वी के ऊपर जो पाए जाने वाले जो खनिज है, उनका मूल स्रोत अपन कहते हैं ना, इन चट्टानों से निकलता है, या अपन कहते हैं, तो ये इनका जो मूल स्रोत कौन है खनिजों का, तो मूल स्रोत है गर्म मैग्मा। जो पृथ्वी के धरातल के नीचे जो गर्म मैग्मा है, वो किसी न किसी रूप से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बाहर आता हो, या भूकंप के कारण जहाँ कहीं पर भी दरार आ जाए, तो दरारों के माध्यम से बाहर आता हो, पृथ्वी के कहीं कमजोर भाग से बाहर आता हो, तो वो फिर धीरे धीरे ठोस अवस्था में जमा हो जाता है, और उनसे कई प्रकार के खनिजों का निर्माण होता है, चाहे पृथ्वी की आंतरिक सतह के पास में हो, चाहे पृथ्वी के ऊपरी सतह के पास में हो, किसी न किसी प्रकार से मैग्मा जब बाहर आता है तो उनमें से कई सारे जो खनिज पदार्थ निकलते हैं, या उनसे कई सारे खनिजों का निर्माण होता है। तो खनिजों में जो मुख्य रूप है, खनिजों का मुख्य मूल स्रोत है, वो आपका है उष्ण मैग्मा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, गर्म मैग्मा। और इसका संबंध होता है स्वेस के अनुसार अगर पूछा जाए तो सीमा परत से होता है, जिसको अपन कहते हैं दुर्बलता मंडल। वहाँ पे गाढ़ा तरल लावा पाया जाता, मैग्मा पाया जाता है, वही मैग्मा धीरे धीरे क्या आता है, पृथ्वी के बाहर आता है ज्वालामुखी विस्फोट के साथ में। या अपन कह सकते हैं, अगर मूल रूप से, अगर सर्वमान्य सिद्धांत के अनुसार अगर पृथ्वी के भाग माना जाए, तो मेंटल या प्रवार से उसका संबंध होता है, उष्ण मैग्मा का संबंध कहाँ से होता है, मेंटल या प्रवार से। अब अपन बात कर रहे हैं कि पृथ्वी पर मुख्य रूप से 2000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, लगभग 2000 खनिज पाए जाते हैं। उन 2000 खनिजों में से जो प्रमुख खनिज हैं मुख्य रूप से, वो लगभग 12 खनिज ऐसे हैं, 2000 में से 12 खनिज ऐसे हैं जो लगभग संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाते हैं, यानी पृथ्वी के किसी भी भाग पर पाए जाते हैं सर्वत्र। फिर जो लगभग सभी जगह पर पाए जाते हैं, और
जो अपन चट्टानों का विज्ञान यानी शैलों का विज्ञान है उसे अपन पेट्रोशास्त्र कहते हैं। यानी अब आपको पूछा जाए कौन से विज्ञान के तहत तो चट्टानों का अध्ययन किया जाता है या अपन चट्टानों का वर्गीकरण करते हैं तो अपन कहेंगे पेट्रोशास्त्र, जो चट्टानों से संबंधित विज्ञान है पेट्रोशास्त्र। और पेट्रोशास्त्र के अनुसार ही ये परिभाषा दी गई कि पृथ्वी के समस्त भूमंडल पर पाए जाने वाले या स्थल मंडल पर पाए जाने वाले चाहे ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या रेत की भांति मुलायम हो, इस प्रकार के खनिजों को ही अपन क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। ठीक है ना, ये पेट्रोशास्त्र के अनुसार ही आपकी क्या दी गई है, यानी अपन कह सकते हैं चट्टानों का वर्गीकरण जो मृदाशास्त्र विज्ञान है उनके अनुसार ही ये क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है। अब अपन चट्टानों को भौतिक दृष्टि से, रासायनिक संरचना की दृष्टि से, गुणों के आधार पर या स्थिति के आधार पर मुख्य रूप से चट्टानों को अपन तीन भागों में बांटते हैं। जैसे पहली चट्टान होती है आग्नेय चट्टान, दूसरी चट्टान होती है औषधि चट्टान, तीसरी चट्टान होती है आपकी कायांतरीय चट्टान। अब आग्नेय चट्टान है जो प्राथमिक चट्टान या मूल चट्टान है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले जिस चट्टान का निर्माण हुआ है वो है आपकी आग्नेय चट्टान, इसीलिए मूल कहते हैं। मूल यानी जड़, चट्टानों की जड़ कौन है या आधारभूत चट्टान कौन सी है तो आपको ध्यान रखना आग्नेय चट्टान, इसीलिए प्रधान चट्टान है या प्राथमिक चट्टान के रूप में भी उसे अपन जानते हैं। और इंग्लिश के ये आपके इसे कहते हैं इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। फिर आपके औषधि चट्टान जिसको अपन तलछट या परतदार कहते हैं। जैसे ही कोई बड़ी चट्टान जैसे आग्नेय चट्टान है, जैसे ही वो आग्नेय चट्टान बाह्य कारक या आंतरिक कारकों के द्वारा धीरे धीरे वो समय के साथ में यानी टूटेगी, अपरदन होगा, अपक्षय होगा, तो धीरे धीरे उसके जो छोटे छोटे कण हैं वो दूसरी जगह पे जाके परतों के रूप में जमा हो जाएंगे, चाहे पवन से उड़कर चले जाए या पानी के साथ बहकर कहीं कण चले जाए, लेकिन वो धीरे धीरे समय पीरियड के अनुसार परतों के रूप में जमा हो जाए और छोटे छोटे कण हैं तलछट के रूप में यानी औषध के रूप में, इसीलिए अपन इसको कहते हैं औषधि चट्टान, जो परतों के रूप में तलछट के रूप में यानी निक्षेप के रूप में रेत के कंकड़ पत्थर के टुकड़ों के रूप में जमा होते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। फिर अपन बात करते हैं कायांतरित या रूपांतरित सेल। कायांतरित या रूपांतरित सेल का मतलब है जब आग्नेय सेल और औषधि सेल का जलवायु दशाओं या वायुमंडलीय दशाओं जैसे ताप है, दाब है, जल है, हिमानी है या अन्य कारकों के द्वारा उन चट्टानों का अपक्षय या अपरदन होकर धीरे धीरे रूप परिवर्तन हो जाए या उनकी काया में यानी जो मूल स्रोत था उसमें परिवर्तन हो जाए तो उसे अपन कहते हैं रूपांतरित या कायांतरित सेल, जिसको अपन कहते हैं मेटामॉर्फिक सेल। तो ये हो गई मुख्य रूप से जो चट्टान के बारे में या सेल की जो मुख्य रूप से संरचना है उनके बारे में। और जैसे चट्टानों के जो भाग हैं उनमें कई सारे स्रोत मिलकर जैसे जीवाश्म है, खनिज पदार्थ है यानी रेत के कंकड़ पत्थर है, पेड़ों की जो पत्तियां वगैरह, इनसे कई सारे स्रोतों से मिलकर चट्टानें बनती है। लेकिन जो आधारभूत चट्टान बनी ना वो चट्टान ज्वालामुखी के लावे के साथ में उनका निर्माण हुआ, यानी ज्वालामुखी जहाँ फटा उसके कारण उसका निर्माण हुआ। जब आग्नेय चट्टान का निर्माण तो हो गया लेकिन जब औषधि चट्टान का निर्माण हुआ तो जैसे जैसे रेत के टुकड़ों के साथ में या कंकड़ पत्थरों के साथ में पेड़ों की पत्तियां हैं, जीव जंतुओं के अवशेष हैं, उनके मिल जाने के कारण, परतों में मिल जाने के कारण औषधि प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। अब अपन बात करते हैं आग्नेय शैल के बारे में मुख्य रूप से, क्योंकि अपन ने पढ़ लिया कि चट्टानें तीन प्रकार की होती है, आग्नेय, औषधि और कायांतरित। अब अपन एक एक चट्टान के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे अपन सबसे पहले अध्ययन करते हैं आग्नेय शैल के बारे में। आग्नेय शैल यानी जो अपन कहते हैं आग्नेय जो शब्द है लैटिन भाषा के इग्ने शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता आग। तो आपको पता है पृथ्वी के धरातल के अंदर जो मेगमा पाया जाता है, जो गाढ़ा तरल लावा पाया जाता है, जो दुर्बलता मंडल में पाया जाता है या प्लास्टिक मंडल कहते हैं, तो वो इतना गर्म होता है आग की तरह, वो जब भी ज्वालामुखी विस्फोट के साथ जब बाहर आता है तो एकदम लाल लाल सा दिखता है वो लावा है ना, मेगमा जो जैसे ही वो पृथ्वी के धरातल पर आएगा इतना लाल दिखता आग की तरह। तो इसका मतलब है कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण है ज्वालामुखी के लावे के या जो मेगमा है वो आग जैसा दिखता है, इसलिए इसको अपन आग्नेय शैल कहते हैं। और आग्नेय शैल का संबंध ही ज्वालामुखी के मेगमा से या लावा से संबंध होता है। अब अपन बात करते हैं इसका जो आग्नेय शैल का जो संबंध है भूगर्भ के मेगमा से होता है, और भूगर्भ का जो मेगमा है वो मुख्य रूप से समताप आपके जो सीमा परत है या अपन कह सकते हैं उसका
संबंध है मेंटल या प्रवार से है, और वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी दुर्बलता मंडल में, और दुर्बलता मंडल में जो तरल गाढ़ा लावा पदार्थ पाया जाता है उन्हीं से क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, और ज्वालामुखी विस्फोट के साथ में आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। अब अपन बात करते हैं इनकी विशेषता, आग्नेय शैल की कई सारी विशेषता। अब जो लावा निकलता है ना आग्नेय शैल के, जो ज्वालामुखी विस्फोट के साथ में, उसमें छोटे बड़े जो रव्वे पाए जाते हैं। अब रव्वे भी छोटे बड़े क्यों होते हैं, जब लावा का या जब मेगमा का उद्गार शीघ्र जल्दी जल्दी होता हो तो रव्वे, उस लावे में रव्वे छोटे छोटे पाए जाते हैं, और जब लावा धीरे धीरे निकलता हो तो रवों का कण या आकार जो बड़ा होता है, क्रिस्टलीय रव्वे होते हैं ऐसे गोल गोल, तो जब जल्दी जल्दी लावा निकलेगा या मेगमा निकलेगा तो छोटे छोटे रव्वे पाए जाते हैं, और जब तेज गति से निकलने लग जाएगा आपका लावा या मेगमा तो छोटे छोटे रव्वे पाए जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं ये परतदार नहीं होती है, ये जो आपकी आग्नेय चट्टान है ये परतदार नहीं होती, ये एकदम ठोस चट्टान होती है। फिर अपन बात करते हैं इसमें जीवाश्म रहित है, यानी जब सबसे पहले पृथ्वी पर किसी प्रकार के कोई जीव जंतु नहीं थे उस समय आज ज्वालामुखी लावे से या मेघ में से क्या हुआ था, आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ था, इसलिए उसमें जीवों के अवशेष नहीं है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। फिर इसमें धात्विक खनिजों की प्रधानता, धात्विक खनिजों की प्रधानता, जो आपकी आग्नेय चट्टान है इसमें सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे सोना चांदी लोहा तांबा पीतल, ये वाले जो धात्विक खनिज पाए जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं इसमें रंध्र नहीं पाया जाता, रंध्र का मतलब क्या है, जैसे कोई भी जैसे चट्टान है उसमें छेद होना, तो वो छेद नहीं पाया, जैसे गाढ़ा जो लावा था ना वो जमता है तो एकदम इतना ठोस जम जाता कि उसमें पानी जाने के लिए जगह नहीं, एक जैसे ये कोई लावा है ऊपर से अपन पानी डालेंगे तो वो पानी नीचे नहीं आएगा, छनके नहीं आएगा, क्योंकि उसमें छिद्र है ही नहीं। लेकिन ऐसा परतदार चट्टानों में क्या होता है, वहाँ पर छिद्र होता है, लेकिन आग्नेय चट्टानों में छिद्र नहीं है। तो ये सारी की सारी जो विशेषता मैंने आपको बताई ये आग्नेय शैल से संबंधित है, यानी रवे पाए जाते हैं, जीव परते नहीं पाई जाती है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, धात्विक खनिजों की प्रधानता है, और रंध्र भी नहीं पाया जाता। अब अपन बात करते हैं आग्नेय चट्टानों की उपस्थिति या उत्पत्ति के आधार पर मुख्य रूप से जो एक चार्ट है उसमें से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है उनके बारे में, लेकिन पहले अपन उनके पूरे चार्ट के बारे में बात करते हैं कि जो उत्पत्ति और उपस्थिति के आधार पर आग्नेय शैलों को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में, दो भागों में विभाजित करते हैं। जैसे देखो, एक हो गया आंतरिक आग्नेय चट्टान और दूसरा हो गया बाह्य आग्नेय चट्टान। तो देखो, आंतरिक आग्नेय चट्टान को फिर अपन दो भागों में पढ़ते हैं, एक होता है पातालीय आंतरिक चट्टान और एक होता है मध्यवर्ती आंतरिक चट्टान, पातालीय और एक होता है मध्यवर्ती आंतरिक चट्टान। तो पातालीय जो आंतरिक चट्टान है वो सबसे गहराई पर पाए जाते हैं, यानी पाताल का मतलब अपन कहते हैं आकाश और पाताल की बात, एक सबसे ऊपर एक सबसे नीचे, तो पातालीय चट्टानों का मतलब है जो आग्नेय चट्टानें बहुत अधिक गहराई पर पाई जाती है उसे अपन कहते हैं पातालीय चट्टानें। और ये इसका उदाहरण है ग्रेनाइट, जो ठोस है, जो सबसे नीचे वाले भाग में है वो क्या है, सबसे प्राचीन है और सबसे ठोस भाग है, तो ग्रेनाइट क्या होता है, ठोस होता है। फिर अपन बात करते हैं मध्यवर्ती शैलों की, और मध्यवर्ती शैलों में अपन पढ़ेंगे बैथोलिथ है, बैथोलिथ का उदाहरण है लेकोलिथ है, लेपोलिथ है, फेकोलिथ है, सील है, सीट है और डाइक है। इन सब का संबंध अभी अपन बाद में बात करेंगे, एक मैं आपको पूरे चित्र के माध्यम से इसको समझाने वाला हूँ मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों को। अब अपन बात कर लेते हैं बाह्य आग्नेय चट्टानें, जैसे बेसाल्ट और ग्रेबो बाह्य आग्नेय चट्टान, और बाह्य आग्नेय चट्टानों को भी अपन उद्गार की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं, यानी जब ज्वालामुखी का विस्फोट एक तो तेज गति से होता हो और एक ज्वालामुखी का विस्फोट थोड़ा मंद गति से होता हो, धीरे धीरे होता हो। तो देखो, जब विस्फोट उद्गार होता हो, जब ज्वालामुखी का विस्फोट उद्गार होता हो तो विस्फोट उद्गार के साथ में उसके साथ में कई सारे जो कण बाहर निकलते हैं, जैसे लेपिली है, बम्ब है, स्क्रोशिया है, ब्रेशिया है या टप। जैसे देखो, जो छोटे छोटे कण जो मटर की गोलियों के समान होते हैं, या अपन उसको कह सकते हैं जो कांच की जो गोलियां होती हैं उनके समान होते हैं, उसको अपन कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट के साथ लावे के साथ में जो कण है कांच की गोलियों के समान, मटर के समान जो बाहर निकलते हैं उसको अपन कहते हैं लेपिली। और जो बड़े कण नाशपाती के समान या जो आम जैसे, या अपन कह सकते हैं, सीधा उदाहरण आपकी भूगोल की बुक में मिलेगा,
नाशपति के समान बड़े बड़े आकार में जो गोल जो पदार्थ पाया जाता है, तत्व पाया जाता है, उनको अपन क्या कहते हैं, बम्ब कहते हैं। फिर एक दिया हुआ है आपके स्कोशिया, यानी जो जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो नुकीले भाग में नुकीले तत्व निकलते हैं, नुकीले पदार्थ निकलते हैं, नुकीले पत्र वजह से निकलते हैं, उनको नुकीले भाग को ही अपन क्या कहते हैं, स्कोशिया कहते हैं। और फिर अपन बात करते हैं बम्ब, और बम्ब क्या होते हैं, जो बड़े भाग होते हैं, जो बड़े बड़े तत्वों के रूप में बाहर निकलते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट के साथ जो अन्य तत्व निकलते बड़े, उनको बम्ब कहते हैं। एक होता टप, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट के साथ में राख है, धुआं है, ये सारे के सारे जल भाग में कहीं जमा हो जाते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, टफ कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, टप कहते हैं। राख है, धुआं है या अन्य छोटे छोटे कण हैं, वो जमा हो जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, टक टप कहते हैं। ब्रेशिया वगैरह ये भी आपके नुकीले भाग होते हैं। फिर अपन बात करते हैं, जब ज्वालामुखी विस्फोट शांत गति से हो रहा हो, धीरे धीरे हो रहा, तो ज्वालामुखी गति से धीरे धीरे हो रहा, तो धीरे धीरे लावा बाहर आएगा। तो उस दरार के माध्यम से जब धीरे धीरे लावा बाहर आएगा, तो धीरे धीरे पठारों का निर्माण होगा। जैसे भारत में दक्कन का पठार है, ये लावा का उदाहरण है। अमेरिका में कोलंबिया का पठार है, ये भी लावा का उदाहरण है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं, जब शांत गति से जब लावा या मैग्मा बाहर आता है या ज्वालामुखी विस्फोट के साथ, तो पठारों का निर्माण होता है, और तेज गति से जब लावा बाहर आता है तो पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये चीज अपन ने पढ़ ली आंतरिक चट्टानों के बारे में। लेकिन अब अपन जो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये आंतरिक चट्टानों की जो मध्यवर्ती जो चट्टाने हैं उसमें किस प्रकार का रोल है और उनका जो चित्र है वो किस प्रकार से है। देखो, ये जो मैंने आपको बताया, इसमें से आपको हर बार कहीं ना कहीं से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। देखो, इसको अपन बात करते हैं और इनकी जो विशेषता है उनको भी आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से क्या हो सकता है। जैसे देखो, ये मध्यवर्ती आग्नेय शिलक भाग, जैसे मान लो ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग। अब इस आंतरिक भाग में आपको क्या होगा, जैसे ये पृथ्वी की सतह मान लेते हैं, ये पृथ्वी सतह है, पृथ्वी की सतह है। अब देखो, ये पृथ्वी की सतह के सबसे गहराई वाले भाग में इस प्रकार से ये गुमदाकार लावा जमा हो जाता है, गुमदाकार, और इस प्रकार से मैं कह देता हूँ बड़ा। यहाँ पर देखो, एक तो ध्यान रखना है गुमदाकार बड़ा, और इसका ढाल होता है उत्तल ढाल होता है, और इसके किनारे क्या होते हैं, किनारे इसके तीव्र यानी तेज होते हैं, इसे कहते हैं बैथोलिथ। क्या कहते हैं, बैथोलिथ, बैथोलिथ। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब ज्वालामुखी का जब ज्वालामुखी विस्फोट के साथ में जो लावा है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां पर बड़े गुमद के रूप में जमा हो जाता है, तो उसे अपन बैथोलिथ संरचना कहते हैं, और उसका जो गुमद होता है वो उत्तल ढाल के रूप में होता है, उसके किनारे हैं वो तीव्र गति वाले, तीव्र तेज ढाल वाले होते हैं। तो ये सारी सारी आपको ध्यान रखना है कि उत्तल होता है, गुमदाकार होता है, और किनारे तीव्र होता है, ऐसी संरचना कौन सी है, बैथोलिथ है, और पृथ्वी में सबसे अधिक गहराई पर पाई जाती है, पृथ्वी की सतह से सबसे ज्यादा गहराई पर पाई जाती है। फिर अपन दूसरी संरचना की बात करते हैं, एक संरचना आएगी आपके इस प्रकार से, फेकोलिथ। इसको क्या कहते हैं, फेकोलिथ। फेकोलिथ का मतलब आपको ध्यान रखना, लहरदार। जब लावे का जमाव, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावे का जमाव धीरे धीरे अपन कह सकते हैं लेयरनुमा हो जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, लहरदार या लहरनुमा, तो उसे अपन क्या कहते हैं, फेकोलिथ। जब आप किसी, आपने मानना सोचा होगा, हम जब किसी प्लेट को, एक खेल होता है प्लेट वाला, उसको फेंकना तस्तरी को, तो जैसे ही अपन किसी को प्लेट को अपन फेंकते हैं तो वो लहरनुमा लहराती हुई वो क्या दूर तक जाती है। तो लहरनुमा, जिस ज्वालामुखी विस्फोट के साथ में जब लहरनुमा जमाव हो जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, फेकोलिथ कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं, एक होता है लेपोलिथ, और लेपोलिथ जो संरचना है वो इस प्रकार की होती है, लेपोलिथ। और लेपोलिथ जो संरचना है उसमें आपको ध्यान रखना है तस्तरीनुमा, और इसका जो ढाल होता है वो ध्यान रखना अवतल होता है, इसके भी किनारे तीर होते हैं। देखो, अब यहाँ पे आपको विशेषता क्या पूछेगा, जब ज्वालामुखी विस्फोट के साथ लावे के जमाव के साथ में तस्तरीनुमा आकार में जब जमा हो जाता है
यानी तो उसे अपन लेपोलिथ कहते हैं, लेपोलिथ तस्तरी, जो अपन चाय लेके जाते हैं, चाय या नींबू पानी जो प्लेट में लेके जाते हैं, उसके किनारे बाहर की ओर उभरे होते हैं और अंदर से वो क्या होता है, अवतल ढाल होता है, यानी गहरा भाग होता है, दशावा भाग होता है, तो उसे उसके भी किनारे तीर होते हैं और अवतल ढाल होता है, तस्तरी नुमा होता है, वो संरचना कहलाती है आपके लेपोलिथ संरचना। एक संरचना कहलाती है जैसे ये, इस प्रकार से आपका मैग्मा का जमाव हो जाता है, ये इसको कहते हैं अपन डाइक। और डाइक में आपको याद रखना है लंबवत, लंबवत यानी जब ज्वालामुखी विस्फोट के साथ में जब लावे का जमाव 90 डिग्री में हो जाए या लंबवत रूप से हो जाए, तो इस प्रकार की संरचना को अपन क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। और जो भी जो गर्म जो फवारे के जो स्रोत हैं, या अपन कह सकते हैं जो आपने पढ़ा होगा गैसर, यानी गर्म पानी के स्रोत, उनका संबंध भी डाइक से होता है। और एक ऑस्ट्रेलिया में जो आप आर्टिजियन कूप या उश्रुत कुएं पड़ते हो, उनमें जो श्वेत पानी आने का संबंध भी डाइक से होता है, और ज्वालामुखी का संबंध भी अधिकांश से डाइक से होता है, ताकि वहां से सीधा लावा आपको 90 डिग्री के ऊपर सीधा पृथ्वी के बाह्य भाग पर आ जाए। अब अपन बात करते हैं दो चीज़ और है। एक चीज़ अपन यहाँ पर लिखते हैं, जैसे ये वाला कोई भाग है यहाँ पर जाएगा और ये इस प्रकार से गुम्बद बना देगा, तो ये जो पृथ्वी की सतह के पास में, सतह के पास गुम्बदाकार जो स्रोत है, और इसका भी ढाल क्या होगा, उत्तल, यानी पृथ्वी की सतह के पास में जो सबसे पास में जो गुम्बदाकार जो स्थलाकृति बनती है, छोटे रूप में बनती है, और उसका जो भी ढाल है, उत्तल ढाल है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लेकोलिथ। लेकोलिथ यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ लेकोलिथ है या लेपोलिथ है, लेको और लेपोलिथ में आपको ध्यान, लेकोलिथ सबसे ऊपर आएगा। फिर अपन बात करते हैं सील, और एक होता है आपका सीट और एक होता है सील। जैसे यहाँ से ज्वालामुखी निकला, लावा निकला, और लावे का जमाव क्षैतिज रूप में हो गया इस प्रकार से, एक तो इस प्रकार से हो गया, और एक अपन बात करेंगे इस प्रकार से, ये हो गया। जब लावे का जमाव क्षैतिज रूप में हो जाता हो, जैसे ये वाला जमाव हो गया और ये हो गया सीट, जब लावे का जमाव क्षैतिज रूप में होता हो और मोटे आकार में होता है, मोटे रूप में होता हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सील कहते हैं। और जब लावे का जमाव क्षैतिज रूप में होता और पतले रूप में होता, उसकी मोटाई बिल्कुल कम होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सील, सीट कहते हैं, और इसे कहते हैं अपन सील। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप देखते हो शादी विवाह में जो पानी को ठंडा करने के लिए जो बर्फ की सील लाई जाती है, तो सील की मोटाई इतनी बड़ी होती है, तो सील यानी लंबवत, वो भी ऐसे ही होती है, पृथ्वी पर अपन ऐसे रखते हैं, तो क्षैतिज अवस्था में इतनी बड़ी होती है और चौड़ी होती है, तो जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, मोटाई ज़्यादा हो, तो उसे अपन कहते हैं सील कहते हैं, जैसे बर्फ की सील है। और जब अपन जो अपन की बाइक है उसके जो कवर होता है, सीट कवर, तो सीट कवर बिल्कुल पतला सा होता है, चादर जैसा होता है, बिल्कुल पतला सा, तो अपन कह सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं कि सील हमेशा मोटी होती है और सीट हमेशा क्या होती है, पतली होती है, और दोनों का ही जो जमाव है, ज्वालामुखी लावे का जमाव, जो क्षैतिज रूप में होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी, और यहाँ से ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना इन स्थलाकृतियों के रूप में। तो आप इस प्रकार से अपने स्थलाकृतियों का, कहीं किताब बुक्स में आपने ऐसा चित्र भी देखा होगा, लेकिन मैंने आपको इसकी सारी सारी विशेषता बता दी। जैसे बेतोलित है सबसे गहराई में पाया जाता है, और लेकोलित है जो सबसे पृथ्वी की सतह के पास में पाया जाता है, दोनों गुम्बदाकार है, और बेतोलित हमेशा बड़ा है, देखो ब है तो बड़ा है, और लेकोलित है छोटा, लिटल है यानी छोटा, गुम्बद के रूप में, दोनों उत्तलाकार हैं, दोनों के जो तीर किनारे वो ढाल पाए जाते हैं, और फेकोलित है वो लेरदार होता है, और आपको मैंने बता दिया लेपोलित है तस्तरी नुमा होता है, और डाइक लंबवत होता है, और सीट और सील में आपको ध्यान रखना है कि सीट पतली होती है और सील बड़ी होती है। तो आज हमने इस प्रकार से पढ़ा चट्टानों की विशेषता के बारे में, चट्टान मुख्य रूप से क्या होती है, चट्टान की क्या विशेषता है। फिर अपन ने एक चट्टान के बारे में अध्ययन किया था, आग्नेय चट्टान के बारे में, आग्नेय चट्टान की विशेषताओं के बारे में, आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती है, और आग्नेय चट्टान में मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के जो उदाहरण है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके नेट के हिसाब से, केवीएस के हिसाब से, जहाँ कहीं पर भी आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो भूगोल से संबंधित विद्यार्थियों के लिए, तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से आपको प्रश्न 101% आपको पूछा जाएगा। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप हमारे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आप इसके ऊपर कमेंट जरूर करें,
और आप अपनी पढ़ाई को हमेशा निरंतर जारी रखें। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।